ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ बहुत अच्छे थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ. जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर क्वेश्चन बुक एंड पेज नंबर 65. पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 5 एंड सॉल्यूशन बुक में क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर सॉल्यूशन बुक में है आपका पेज नंबर 10.7. ये मैंने क्यों अलग अलग रखा है, ताकि कभी कभी अगर आपको बिना देखे भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, क्योंकि सॉल्यूशन रहता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, सॉल्व नहीं करते, टिक मारते रहते. इसके लिए मैंने इस बार क्वेश्चन बुक और सॉल्यूशन बुक अलग से बनाया है, ताकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो लाइक यू नो, आप बिना देखे भी सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हो कि वेदर अपना जो आंसर है वो बराबर है या नहीं. ठीक है, अब बहुत है इम्पॉर्टेंट कि इसको क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे. तो जरा आप रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 5. ए कंपनीज प्लांट प्रोसेस 150,000 kg ऑफ मटेरियल इन ए मंथ टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट पी एंड क्यू. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 12 rupees पर kg. द प्रोसेस कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल 90,000, डायरेक्ट वेजेज 120, वेरिएबल ओवरहेड 1 lakh, फिक्स्ड ओवरहेड 1 lakh. द लॉस इन प्रोसेस 5% ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज इन द रेशियो 1:2. द सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 प्रोडक्ट आर एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ मीन्स सेपरेशन पॉइंट पे आपका क्या रहेगा, 12 rupees फॉर पी एंड 20 rupees फॉर क्यू. ए प्रपोजल इज अवेलेबल टू प्रोसेस पी फर्दर बाई मिक्सिंग इट with other purchased material, the entire current output of plant can be so processed further to obtain a new product S. The price per kg of S is 15 rupees each kg of output of S will require 1 kilogram of P. The cost of processing of P into S including other material is 1,85,000. तो ये आपका क्या हो जाएगा, further processing cost और separate cost. You are required to prepare a statement showing monthly profitability based on the existing manufacturing operation and further processing. Will you recommend the further processing? पहले आप क्या करिए, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आप डिसीजन ट्री स्टार्ट करिए, लिखना आप डिसीजन ट्री में स्टार्ट करिए. वंस आपका डिसीजन ट्री वाला पार्ट हो गया, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. सबसे पहले दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, क्वेश्चन 5, पेज 65, वर्किंग नोट नंबर 1. ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज योर इनपुट 150,000 kg. Out of this, five % normal loss. 150 into 5% is 7500. The cost of raw material is 12 rupees. It means your joint cost material 1,50,000 into 12 and this comes to 18 lakhs. Then uske baad the process cost for per month are direct material 90, direct wages 120, variable overhead 1 lakh, fixed overhead 1 lakh, and your total cost will be 1800 plus 90 plus 120 plus 100 plus 100 is 22,10,000.
The process loss 5% of input and output ratio P and Q in the ratio of 1:2. P and Q. 150 input डाला था, loss 7500 into 1/3. ये आपका क्या हो जाएगा P. 150 loss 7500 into 2/3. The selling price of two product at the point of split of point P is 12. It means P में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो sales at P1 separation point में P आपका बिकेगा. P कितने में बिकेगा is ये आपका आ जाएगा 1,50,000 माइनस 7500 डिवाइडेड बाई 3 इज 47,500 kg एंड 95,000 kg. द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ इज 12 रुपीज पर kg. इट मीन्स 47,500 into 12 तो आपका आ जाएगा सेल्स एट P1. सो 47,500 into 12 इज 5,70,000. 5,70,000 द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट्स आर एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट इज 12 पर kg एंड Q 20 रुपीज पर kg. इट मीन्स 20 तो ये आपका हो जाएगा सेल्स एट P1. सेल्स एट P1 95,000 इंटू 20 इज 19 lakhs. ए प्रपोजल इज अवेलेबल टू प्रोसेस पी फर्दर बाय मिक्सिंग इट विद अदर परचेज मटेरियल. द एंटायर करेंट आउटपुट ऑफ प्लांट कैन बी सो प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑब्टेन ए न्यू प्रोडक्ट एस. इसका मतलब ये आपका हो जाएगा प्रोसेस टू, और इसको हम क्या बोल सकते हैं P2. द प्राइस पर केजी ऑफ एस इज 15 रुपीज पर केजी. विल रिक्वायर 1 किलोग्राम ऑफ पी एंड एस विल रिक्वायर 1 किलोग्राम ऑफ पी. ईच केजी ऑफ आउटपुट ऑफ एस विल रिक्वायर द प्राइस पर केजी ऑफ एस इज 15 एंड ईच केजी. इट मीन्स अगर आपका इनपुट पी है 1 kg तो आपको आउटपुट एस रहेगा 1 kg. अगर आप डालते हो 47,500 तो आपको मिलेगा 47,500. द प्राइस पर केजी ऑफ एस इज 15 रुपीज, ये आपको मिलेगा एस, और इसका सेल्स एट P2 इज 47,500 इंटू 15. 47,500 इंटू 15 इज 712,500 एंड सेपरेट एक्सपेंस इज 1,85,000. अब आप आ जाइए 1/1. आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं आप मुझे बताइए. इनपुट कितना डाला है हम लोगों ने 1,50,000 kg. कॉस्ट ऑफ दी मटेरियल 150 इंटू 12 18 lakhs. डायरेक्ट मटेरियल 90,000. डायरेक्ट वेजेस 120. वेरिएबल ओवरहेड 1 lakh. फिक्स्ड ओवरहेड 1 lakh. टोटल 22,10,000. नॉर्मल लॉस 150 का 7,500. 150 का 1/3 47,500. 150 का 2/3 इज 95,000. सेल्स एट P1 47,500 इंटू 12 इज 570.
इनपुट 1 kg डालेंगे, आउटपुट एस मिलेगा 47 से 47 500 को सेल करेंगे 15 के हिसाब से 712 500, सेपरेट एक्सपेंस 185 एंड सेल सेट P1 अगर अपन Q को करेंगे तो अपने को मिल रहा है 19 lakhs। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपको एक बार डिसीजन ट्री बनाना आ गया तो आपके सारे बेसिक कैलकुलेशन इसमें आ गए। अब आपको 2 मिनट आंसर लगेंगे, ये फुल आपका CA फाइनल का क्वेश्चन है, CA फाइनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारे के सारे आंसर्स आप फटाफट आप दे सकते हो करके ना, सारे के सारे आंसर आप एकदम फटाफट दे सकते हो करके ना। आप बताइए मुझे यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा एकदम। ये इसको हम बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं P1, ये हमारा है P1, इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट इसी को हम माइंड बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है अपने से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग मंथली प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन बोथ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम इसको सेल करते हैं विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग तो हमको एक 19 लैक्स मिलेगा, एक 570 मिलेगा और कॉस्ट हमारा जाएगा 2210 बराबर। एक अगर हम इसकी जगह ये सेल नहीं करते, इसकी जगह ये सेल करते तो ये मिलेगा 712 500, ये लगेगा अपने को सेपरेट कॉस्ट। आपको बताना है कि क्या करना चाहिए। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट showing analysis, statement showing analysis, sales at P1, product S, sales at P1, product P, product Q, okay, what is the sales value of P and Q, 570 and 19 lakhs, 5 lakh 70 24 70 less joint cost 22 lakh 10, एंड हर जगह आप रेफरेंस दे दो, रिफर नोट नंबर 1, सारा कैलकुलेशन आपका नोट नंबर 1 में आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स 2470 - 2210 इज 260,000। सही है समझ। अब आप आ जाइए, सपोज आपको सुनना है ऑप्शन 2 फर्दर प्रोसेस, सेल्स ऑफ एस और सेल्स ऑफ क्यू। सेल्स ऑफ एस आपका आएगा 712 500, ओके। सेल्स ऑफ क्यू आपका आएगा 19 लैक्स, क्योंकि वो तो P1 पे ही सेल हो रहा है। ये आपका कहाँ हो रहा है P2 और ये आपका कहां पे हो रहा है P1, लेस जॉइंट कॉस्ट लेस सेपरेट कॉस्ट और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जॉइंट कॉस्ट आपका क्या आ रहा है 22 lakh 10,000, सेपरेट कॉस्ट आपका आ रहा है 185, इट मीन्स
712,500 प्लस 19 लैक्स माइनस 22,10,000 माइनस 1,85,000 217,500। अब पहले हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा था 260, अब हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है 217,500। तो हमारा डिसीजन क्या रहेगा, हमारा डिसीजन रहेगा, डिसीजन हमारा रहेगा P1। सही है सुनो, विल यू रिकमेंड फॉर फर्दर प्रोसेस, आंसर इज नो हमारा डिसीजन। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, पूरा कंपेयर कर लो आप पूरा कंपनी का, पहले आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था 260, फर्दर प्रोसेस, और अगर सेपरेशन पे P1 पे सेल करते तो 260 है, P2 पे करते तो 217,500 है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि वी शुड सेल प्रोडक्ट P&Q नॉट S&Q, हमको क्या सेल करना चाहिए P&Q सेल करेंगे तो हमारा ये आएगा एजुकेटिंग नोट। और इसका दूसरा तरीका यह है कि पूरा कंपनी का आप मत करिए, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आप देख लीजिए करके, कैसे करेंगे, इट मींस जैसे जो स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ फर्दर प्रोसेस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ फर्दर प्रोसेस, इट मीन्स यू टेक सेल्स एट P2, कौन सा प्रोडक्ट आपका है S की सेल क्या आ रही है आपको P2 पे 712,500, देन यू माइनस द सेल्स एट P1 कौन सा था P की सेल थी आपकी 5,70,000। वॉट इज योर इंक्रीमेंटल सेल्स, इट मीन्स 712,500 माइनस 5,70,000 इज 142,500 लेस सेपरेट एक्सपेंस, वॉट इज द सेपरेट एक्सपेंस इज 1,80,500। वॉट इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स 142,500 माइनस 1,85,000 इज 42,500 का लॉस। सो डिसीजन इज यू सेल एट P1, मतलब अगर मैं P2 पे सेल करता हूं तो P से मेरा S बनेगा, वो कितने में बिकेगा 712,500 में, और अगर मैं इसको P को ही सेल कर देता हूं तो मेरा कितने में बिकेगा 570। तो P1 से P2 जाने में मेरा सेल कितने से बढ़ गया 142,500, मेरा सेल कितने से बढ़ गया, और उसके सामने मेरा सेपरेट एक्सपेंस कितना है 185। तो मुझे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, इट मींस मुझे लॉस हो रहा है 42,500, इसका मतलब मैं कहां पे सेल करूंगा, मैं सेल करूंगा एट P1। वही अगर आप इसका देखोगे 260 और 217,500 का डिफरेंस देख लो, 260 माइनस 217,500 डिफरेंस इज ओनली 42,500। ये वाला जो डिफरेंस है वो भी आप देख लो, ये प्रॉफिट का डिफरेंस और ये प्रॉफिट का, 260 और 217,500 दोनों का डिफरेंस देख लो आप। सही है सर, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, मैंने खुद भी सॉल्व करके दिखा दिया, अब आप देख लीजिए इज दिस क्लियर हो, परफेक्टली क्लियर हो, प्रॉपर आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो डिसीजन ट्री जो है अपना, इससे आपको काफी इजी हो जाएगा, अगर ये वाला जो है ना, ये डिसीजन ट्री जो है ना, ये डिसीजन ट्री से आपको काफी इजी हो जाएगा। तो आप डिसीजन ट्री बनाने का, मैक्सिमम क्वेश्चंस के डिसीजन ट्री बनाने का आप कोशिश करिए, आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन का अगर आप डिसीजन ट्री बना लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सही है सुना, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, ये आपका रहा, नाउ यू टेक क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है एंड पेज नंबर क्वेश्चन बुक एंड पेज नंबर 65 कंटिन्यूएशन में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स और सॉल्यूशन बुक में है 10.8। सॉल्यूशन बुक में है 10.8 एंड 65। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आप जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन को काटने में, ठीक है। आप जरा आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। हाँ, दी सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल। द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इन 4 प्रोडक्ट्स एट द स्पिरिट ऑफ पॉइंट। 4 प्रोडक्ट आपके बनते हैं एट स्पिरिट ऑफ पॉइंट में, एम एन ओ एन पी। प्रोडक्ट ओ इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट द स्पिरिट ऑफ पॉइंट। प्रोडक्ट एम एन पी कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड इन टू सुपर एम, सुपर एन एंड सुपर पी। इन द मोस्ट रिसेंट अक्टूबर 2016 द आउटपुट ऑफ स्पिरिट ऑफ पॉइंट वॉज प्रोडक्ट एम 300,000 एन 100,000 ओ 50,000 एंड पी 50,000। द जॉइंट कॉस्ट परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग इट वर ₹40,00,000। सनशाइन हैड नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओ इन अक्टूबर वर ₹20,00,000। टोटल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एम एंड पी वॉज फर्दर रिफाइंड एंड देन सोल्ड। डाटा रिलेटेड टू अक्टूबर 2016 आर एज फॉलोज। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू मे सुपर प्रोडक्ट्स सेल्स, सुपर एम, सुपर एन, सुपर पी आपको सेल्स वैल्यू दे रखा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखा है। सनशाइन हैड द ऑप्शन ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एम एंड पी एट स्पिरिट ऑफ पॉइंट मीन्स सेल्स एट P1। दिस ऑल्टरनेटिव वुड हैव यील्ड द फॉलोइंग सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 प्रोडक्शन एम एन एंड पी। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर हाउ द जॉइंट कॉस्ट ₹40,00,000 वुड बी एलोकेटेड बिटवीन ईच ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल आउटपुट, एस्टिमेटेड NRV। नंबर 2, कुड सनशाइन हैव इंक्रीज्ड इट्स अक्टूबर 2016 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग डिफरेंट डिसीजन अबाउट द फर्दर रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट एम एन और पी, सो द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज टू रिकमेंड प्रॉफिट। ऊपर से नीचे तक आए कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से नीचे तक अगर आप आते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एग्जाम हॉल में आप क्या करोगे, राइट? आपको लगेगा अरे यार क्या हो गया ये, तो नज़र उठा के देखने का क्लास में, आपको लगेगा हम साथ साथ हैं, हम सबको ऐसे है, ओके। देन यू स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, स्टार्ट विद दानिकी कॉस्टिंग। याद करिए, जब तक समुद्र में पानी रहेगा कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा। लाइफ मोम लाइफ के लिए जरूरी है पानी, मोम की मोम होती है नानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी। मुझे याद करिए, आपको सारी चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएंगी। मैंने पहले क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप डिसीजन ट्री करिए, राइट? डिसीजन ट्री आप कैसे करेंगे देखिए जरा, इसका ट्री कैसे बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट है, ओके फ्रेंड। तो पहले आप ट्री बनाइए एंड दिस इज योर क्वेश्चन 6 पेज नंबर 65। दिस सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम। The refining process result in 4 products at the spirit of point M, N, O and P. It means ये आपका रहा process 1, इसको हम क्या बोलेंगे P1 और spirit of point क्या मिलेगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? प्रोडक्ट्स गैलेंस, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एम
एन ओ पी, ओके कितना गैलेंस। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इन फोर प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एम एन ओ पी इज फुल्ली प्रोसेस एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्रोडक्ट एम एन एन पी कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइन इन टू सुपर एम सुपर एन एंड सुपर पी। इसका मतलब एम का या तो एम को हम सेल करेंगे, सेल्स एट पी वन, या फिर सेल्स एट पी टू, और यहां पे ये बन जाएगा सुपर एम। सही है सुनो, यहां पे क्या बन जाएगा सुपर एम। फिर आप आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट एन। एन का क्या है सुपर एम, एन या तो सेल्स एट पी वन या सेल्स एट पी टू, क्योंकि ये आपका आ रहा है सुपर एन। आपका क्या हो जाएगा सुपर सुपर एन। उसके बाद आपका आता है ओ, ये आपका आएगा ओ। ओ बोल रहा है कि कहां पे बिकेगा सेल्स एट पी वन ओनली, और इसका सेल्स एट पी वन सुपर पी सेल्स एट पी टू एंड देन सेपरेट एक्सपेंस। सही है सुनो, आराम से आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम। The refining process result in four products at the split of point M, N, O and P. M, N, O and P. The refining process result in four products at the split of point M, N, O and P. Product O is fully processed at the split of point. O आपका यहीं पे fully processed है, ये further process नहीं हो सकता। प्रोडक्ट एम एन एन पी, एम एम एन और पी, एम एन पी, एम एन पी कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड इनटू सुपर एम, या तो इसका बनेगा सुपर एम एम का, या सुपर एन इसका बनेगा सुपर एन, और या इसका बनेगा सुपर पी सुपर पी। आउटपुट ओके ओके, आगे क्या दे रखा है द आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आपको आउटपुट दे रखा है 300,000 गैलेंस, देन 300,000 गैलेंस, देन 100,000 गैलन, देन 50,000 एंड देन 50,000। प्रोडक्ट एन 100,000 गैलन, ओ 50,000 एंड पी 50,000। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग इट वर रुपीज, इट मीन्स आपका जॉइंट कॉस्ट है रुपीज 40 लैक्स, जॉइंट कॉस्ट है 40 लैक्स। Sunshine had no beginning or ending inventories, कोई भी opening stock, closing stock अपने पास नहीं है, कोई भी opening या closing stock अपने पास नहीं है। Sunshine had no beginning or ending inventories, sales of the product O in October rupees 20 lakhs, इसका मतलब ये आपका बिकेगा
20 लैक्स। टोटल आउटपुट ऑफ एम एंड पी वॉज फर्दर रिफाइंड एंड देन सोल्ड। डाटा रिलेटेड टू अक्टूबर 2016 आर एज फॉलोज। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू मेक सुपर एम इज 80 लैक्स और सेल्स आपको दे रखा 1 करोड़ 20 लैक्स। इट मीन्स 1 करोड़ 20 लैक्स और सेपरेट कॉस्ट आपका लगेगा, इट मीन्स 80 लैक्स। इट मीन्स आपको अगर एम से सुपर एम बनाना है तो आपको कॉस्ट कितना लगेगा, सेपरेट कॉस्ट रुपीज 80 लैक्स। सुपर एन आपको बनाना है, सुपर एन आपका बनेगा, सेल होगा रुपीज 40 लैक्स और आपका सुपर एन का सेपरेट एक्सपेंस आपको लगेगा इजे 32 लैक्स। एन का 48 लैक्स और इसका सेपरेट एक्सपेंस, सुपर पी का सेपरेट एक्सपेंस आपको लगेगा रुपीज 36 लैक्स। परफेक्टली क्लियर हो। अब आप मुझे बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। ज्वाइंट कॉस्ट 40 लैक्स, एम एन ओ पी 3 लैख गैलन 1 लैख 50,000 सेल सेट P1। अब सेल सेट P1, सनशाइन हैड द ऑप्शन ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एम एंड पी एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दिस ऑल्टरनेटिव वुड हैव यील्ड द फॉलोइंग सेल्स फॉर द अक्टूबर 2016। सुपर एम ये आपका एम आपका कितने में बिकेगा, 20 लैक्स। अगर आपको P1 पे बेचना है तो 20 लैक्स, अगर आपको एन को बेचना है तो 12 लैक्स और अगर आपको पी को बेचना है तो 28 लैक्स। नाउ अगर आपको P1 पे बेचना है 20 लैक्स, P2 पे बेचना है 1 करोड़ 20, लेकिन M से सुपर M बनाने का सेपरेट कॉस्ट आपको लगेगा 80 लैक्स। N 1 लैख, इट मीन सेल सेट P1 12 लैक्स, सेल सेट P2 40 लैक्स और N से सुपर N बनाना है तो आपको 32 लैक्स। सेल सेट P1 28 लैक्स, P2 48 लैक्स और अगर आपको सेपरेट एक्सपेंस लगाना है तो कितना लगेगा, 36 लैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता हाउ टू स्टार्ट द सम। तो पहले आप डिसीजन ट्री बनाना सीखिए। अगर आपने डिसीजन ट्री में डाल दिया, अगर आपने डिसीजन ट्री में क्वेश्चन को डाल दिया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका प्रॉपरली खत्म हो जाएगा घर। अब आपको फटाक से आंसर करने और एकदम सिंपल तरीके से आंसर, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट था, दिस इज ए प्रोसेस वन, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, P1 स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट होके या तो P1 पे सेल करिए या P2 पे सेल करिए करिए। अब आप अजय क्या बोल रहा है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, हाउ ज्वाइंट कॉस्ट 40 लैक्स, हाउ द ज्वाइंट कॉस्ट 40 लैक्स वुड बी एलोकेटेड बिटवीन ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हाउ द ज्वाइंट कॉस्ट 40 लैक्स वुड बी एलोकेटेड बिटवीन ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सेल्स वैल्यू एट P1, इट मीन्स 20 लैक्स P1, 12 लैक्स P1, 20 लैक्स P1 और 48 लैक्स P1, इस रेशियो में चला जाएगा। फिजिकल आउटपुट 3 लैख 1 लैख 50,000 और एस्टिमेटेड एनआरबी मीन सेल्स एट P2 माइनस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, माइनस सेलिंग एक्सपेंस नहीं दे रखा है, माइनस सेपरेट एक्सपेंस दे रखा है, बाकी का आपका एनआरबी इन में तीनों में, इट्स वेरी सिंपल करके ना। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं अपने से, इस जोर आंसर नंबर छोटू 1 क्या बोल रहा है, हाउ द ज्वाइंट कॉस्ट 40 लैक्स विल बी एलोकेटेड बिटवीन ईच ऑफ द, इट मींस
statement showing allocation of joint cost. Okay. Products M N O B. Method 1. Sales at P1. Now, what is your sales at P1? Is twenty lakhs is to 12 lakhs is to 20 lakhs is to 28 lakhs. ये रेशो में आपको एलोकेट करना है. किसको एलोकेट करना है? इज ए जॉइंट कॉस्ट. ये रेशो में आपको क्या करना है? एलोकेट करना है किसको? जॉइंट कॉस्ट. हाउ मच इज द जॉइंट कॉस्ट? 40 लाख रुपीज. 20 ये आपका टोटल हो जाएगा. 20 + 12 + 20 + 28 मीन्स ये रेशियो में आपको एलोकेट करना है सेल्स है पी वन. ओके, तो आपका आएगा दिस कम्स टू 10 लाख, 6 लाख, 10 लाख एंड 14 लाख. सही है सुनो. 10 लाख, 6 लाख, 10 लाख एंड 14 लाख. ये आपका हो गया जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन इन द रेशियो ऑफ 20:12:20:28. पहला आपका मेथड हो गया इन द रेशियो ऑफ मेथड वन सेल्स वैल्यू. तो सेल्स वैल्यू हम लोगों ने ले ली पी वन से सेल्स वैल्यू और उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दी. सही है सर. Then you go to method 2. What your method 2 is a physical output. What is the physical output? Is 3 lakh gallons is to 1 lakh is to 50,000 is to 50,000. Joint cost 40 lakhs. Okay. 3 + 1.5, 0.55. It means 40 lakhs divided by 5 into 3 is 24 is 8 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs. ये आपका क्या आ गया फ्रेंड्स? सही है सुनो. इट मीन्स जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट आपको दे रखा है 3 लाख गैलन, 1 लाख, 50,000 एंड 50,000. नेक्स्ट आपका आ रहा है लास्ट इज ए मेथड 3 एस्टिमेटेड एनआरवी. ओके, इट मीन्स यू टेक सेल्स एट पी टू. व्हाट इज योर सेल्स एट पी टू? Is 1 crore 20 lakhs
40 लैक्स ये तो, एंड ये तो पी वन पे सेल होता है, एंड 48 लैक्स, ठीक है। लेस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है नहीं, लेस सेलिंग एक्सपेंस वो नहीं है, लेस सेपरेट एक्सपेंस, व्हाट योर सेपरेट एक्सपेंस इज 80 लैक्स, 32 लैक्स, 36 लैक्स, दिस इज योर एस्टिमेटेड एन आर वी, 40 लैक्स, 8 लैक्स, ये तो पी वन पे ही सेल हो रहा है तो 20 लैक्स। एन आर वी इज नथिंग, जस्ट लाइक ए सेल्स एट पी वन, इन द एबसेंस ऑफ सेल्स एट पी वन इट मीन्स 12 लैक्स। जॉइंट कॉस्ट 40 लैक्स इज जॉइंट कॉस्ट 24, 10, 6, सही है सर, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है। पहले हम लोगों ने क्या निकाल दिया, पहले हम लोगों ने निकाल दिया एस्टिमेटेड एनआरबी, सेल्स एट पी टू, प्रॉफिट है नहीं, सेलिंग एक्सपेंस है नहीं, तो सेपरेट एक्सपेंस माइनस कर दिया, सेपरेट एक्सपेंस माइनस किया, हमें क्या मिल गया एस्टिमेटेड एनआरबी, एस्टिमेटेड एनआरबी में यू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट। सही है सर। अब सेकंड में वो क्या बोल रहा है, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द जॉइंट कॉस्ट 40 लैक्स, हाउ द जॉइंट कॉस्ट 40 लैक्स वुड बी एलोकेटेड बिटवीन ईच ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल आउटपुट, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तीनों केस में, ये तीनों मेथड में आपका क्या आ गया, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कुड सनशाइन हैव इंक्रीज इट्स अक्टूबर 2016 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई मेकिंग डिफरेंट डिसीजन अबाउट द फर्दर रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट एम एन और पी, सो द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज यू रिकमेंड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अपस वही, कौन से प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना चाहिए, उसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस इज योर आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस फॉर फर्दर प्रोसेस। एन पी, क्योंकि वो तो आपका पी वन पे ही सेल हो रहा है, उसमें तो डिसीजन ले ही नहीं सकते, खाली हम डिसीजन ले सकते हैं किसमें, एम एन एन पी में, कहां पे डिसीजन ले सकते हैं, एम एन एन पी में, कि हमें पी वन पे करना चाहिए, पी टू पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मींस सेल्स एट पी टू माइनस सेल्स एट पी वन इंक्रीमेंटल सेल्स पी टू पी वन सेपरेट कॉस्ट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस एंड डिसीजन, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिसीजन। देखो अगर हम इसको पी वन पी टू पे करते हैं तो 1 करोड़ 20 लैक्स में सेल हो रहा है, और P1 पे करते तो कितने में होगा, 80 लैक्स, कितने से बढ़ गया,
40 लैक्स। सेपरेट कॉस्ट क्या है, सेपरेट कॉस्ट क्या है इस, सॉरी आपका सेल सेट पी टू है 1 करोड़ 20 लैक्स और पी वन पे आपका सेल क्या है 20 लैक्स। तो सेल कितने से बढ़ गया 1 करोड़ से और खर्चा कितने से बढ़ रहा है ओनली 80 लैक्स से। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा 20 लैक्स। तो हम कहां पे सेल करेंगे पी टू। ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं कि भाई अगर मैं इसको सेल सेट पी टू करता हूं तो 1 करोड़ 20 लैक्स आएगा और पी वन पे बेच देता तो मुझे 20 लैक्स ही मिल रहा था। तो कितने से बढ़ा इंक्रीमेंटल सेल्स पी वन टू पी 1 करोड़, उसके सामने सेपरेट एक्सपेंस 80, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका डिसीजन पी टू। सही है सर। अब आप आ जाइए कितने में बिकेगा सेल सेट पी टू 40 लैक्स, पी वन कितने में भी और पी वन 12 लैक्स, कितने से बढ़ा 40 माइनस 12 28 लैक्स। उसके सामने आपका सेपरेट कॉस्ट कितना आएगा, सेपरेट कॉस्ट है 32, इट मीन्स लॉस ऑफ 4 लैक्स एंड पी वन क्या हो जाएगा, दिस योर सेल्स एट पी टू माइनस सेल्स एट पी वन इंक्रीमेंटल सेल्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसका मतलब 4 लाख का लॉस हो रहा है। अगर मैं पी वन पे बेचता हूं तो 12 लाख मिलेगा, पी टू पे बेचता हूं तो 40, तो कितने से बढ़ गया 28 लाख से। मेरा सेल कितने से बढ़ेगा, मेरा सेल बढ़ेगा 28 से और उसके सामने मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है 32 से, तो मुझे लॉस कितना हो जाएगा 4 लाख से। सही है सुनो फ्रेंड। पी में आ जाइए आप, पी अगर मैं पी वन पे पी टू पे सेल करता हूं 48 लैक्स और मैं पी टू पे करता हूं पी वन पे करता हूं 28 लैक्स, कितने से बढ़ा 20 लैक्स, उसके सामने खर्चा कितना है 36 लैक्स, कितने का लॉस हो गया 16 लैक्स। डिसीजन क्या आएगा पी वन। इसका मतलब आई शुड सेल प्रोडक्ट, व्हाट इज माय फाइनल डिसीजन, इसका मतलब मेरा फाइनल डिसीजन क्या आ जाएगा कि इसको कहां पे सेल करना चाहिए एम को पी टू पे, इसको कहां करना चाहिए पी वन पे, इसको कहां करना चाहिए पी वन पे और ओ तो पी वन पे हो ही रहा है। तो इफ वी सेल प्रोडक्ट एम आफ्टर फर्दर प्रोसेस, इफ वी सेल प्रोडक्ट एम, इफ वी सेल प्रोडक्ट एम आफ्टर फर्दर प्रोसेस और N, O and P at separation point or P1, we will get the maximum profit. बताइए फिर, is this clear or not? We will get the maximum profit. Perfectly clear or not? ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन से अगर आपने ये कर लिए ना फ्रेंड्स, गारंटी है मेरा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इट मीन्स क्वेश्चन 7 एंड योर पेज नंबर 67 क्वेश्चन बुक में एंड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 पेज नंबर 10.10 इन सॉल्यूशन बुक में। सही है सर। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 7 आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है अपने को। एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी अमर्ज एट ए सिंगल स्प्लिट ऑफ स्टेज इन डिपार्टमेंट पी।
प्रोडक्ट ए इज फर्दर प्रोसेस टू डिपार्टमेंट क्यू, प्रोडक्ट बी फर्दर प्रोसेस इन आर एंड सी इन एस। इसका मतलब अपना जो मेन डिपार्टमेंट है एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी अमर्ज एट ए सिंगल स्प्लिट ऑफ स्टेज इन डिपार्टमेंट पी। डिपार्टमेंट पी में हमारा ए बी सी बनता है। अगर ए को फर्दर प्रोसेस करना है तो क्यू में जाइए, बी को करना है आर में जाइए, सी को करना है एस में जाइए। देर इज नो लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। द कॉस्ट डाटा फॉर ए मंथ आर एच अंडर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस पी क्यू आर एस अपने को दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड 464 आर टू बी अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट ऑन डायरेक्ट वेजेस रेशियो। आपको किस रेशियो में डालना है इनको, डायरेक्ट वेजेस रेशियो। फैक्ट्री ओवरहेड को आपको डालना है किस रेशियो में डालना है, डायरेक्ट वेजेस रेशियो। व्हाट इज द डायरेक्ट वेजेस रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट पी 384 96 64 36। ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर एज अंडर, प्रोडक्ट ए बी एंड सी, आउटपुट सोल्ड 44,000 40,000 20,000, सेलिंग प्राइस 32 24 16। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट द स्प्रिट ऑफ स्टेज दैट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग द सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 20 22 10 ईच पर के जी रेस्पेक्टिवली फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर द रेफरेंस एज पर द करेंट पॉलिसी। वॉट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन। एक एक पॉइंट को आप बराबर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है 464 वो आपको किसके रेशियो में डालना है, डायरेक्ट वेजेस। तो पहले अपन नोट, छोटू नोट उसके लिए बना देते हैं। इट मींस दिस इज योर नोट नंबर छोटू ए। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्या आपने को दे रखा है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स किसके रेशियो में है। फैक्ट्री ओवरहेड 464 आर टू बी अपोर्शन डिपार्टमेंट इन डायरेक्ट वेजेस। इट मींस आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, पी क्यू आर एस, ओके, देन वेजेज रेशियो। व्हाट इज द वेजेज रेशियो इज 384 96 64 and 36 and आपका फैक्ट्री ओवरहेड है रुपीज 4,64,000। इट मींस 384 plus 96 64 and 36 580 464 divided by 580, 80% आ जाएगा आपका इंटू 384, 3,07,296,000। भाई आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 464 और आपकी वेजेस है 384 plus 96 plus 64 plus 36 into 100 आपका लीजिए, राइट, वेजेस आपका आएगा 384 plus 96 plus 64 plus 36 is 5,80,000।
464 डिवाइडेड बाय दिस अगर अपन करेंगे 464 डिवाइडेड बाय 580 80% आपका आएगा. सो इनटू 80% इनटू 80% इनटू 80% इनटू 80% सो 96 इनटू 0.8 76 800 64 इनटू 0.8 इज 51,200 and 36 into 0.8 is 28,800. सही है सर. ये मैंने आपका पार्ट सॉल्व किया है. इसमें ना ये वाला पार्ट है अपना 10.11 पेज पे सॉल्यूशन बुक में. सॉल्यूशन बुक में मैंने एलोकेट किया था 307. मैंने डायरेक्टली इस रेशियो में एलोकेट कर दिया है. आप ऐसे करके भी एलोकेट कर सकते हो, बराबर. या तो आप इस रेशियो में एलोकेट कर दो या फिर आप ऐसे करके करोगे, आंसर आपका क्या आएगा, सेम. तो मैंने सॉल्यूशन बुक में ऐसे इस रेशियो में एलोकेट किया है और आपको दूसरा मेथड भी बता दिया कि इस तरह से भी हो जाएगा. इसका मतलब आपका क्या आ गया, आपका ओवरहेड आ गया. डिपार्टमेंट पी में आपका ओवरहेड आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 464 है, 307,200, 76,800, 51,200 एंड 28,800. सही है सर. बोलो. ये आपका एक एडिशनल पॉइंट था, पहले वो मैंने डाल दिया. अब अपन इसके बेस पे अपन बना लेते हैं डिसीजन ट्री. ये डिसीजन ट्री अपन कैसे बनाएंगे. क्वेश्चन 7 अपना चल रहा है. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी मर्ज एट सिंगल स्प्लिट ऑफ स्टेज इन डिपार्टमेंट पी. प्रोडक्ट ए इज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट क्यू, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट आर, प्रोडक्ट सी इन डिपार्टमेंट एस. देर इज नो लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज अंडर. इट मीन्स दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. दिस इज योर डिपार्टमेंट पी. डिपार्टमेंट पी में प्रोसेस करने से क्या मिलता है, ए बी एंड सी. डिपार्टमेंट पी से प्रोसेस करने से क्या मिलता है अपने को, प्रोडक्ट ए बी एंड सी. नाउ जॉइंट कॉस्ट, अगर आप ए को चाहो तो यू कैन सेल्स एट पी वन या फिर आप डिपार्टमेंट क्यू में जाओ, वहाँ पे आपका होगा सेल्स एट पी टू प्लस दे दीजिए सेपरेट कॉस्ट. सही है सुनो फ्रेंड्स, आपका ये क्या हो जाएगा, पी टू डिपार्टमेंट में सेल्स एट पी टू. ओके, और आपका आ जाएगा सेपरेट एक्सपेंस. ठीक है, अब आप आ जाइए प्रोडक्ट बी. बी में सेल्स एट पी वन या फिर डिपार्टमेंट आर सेल्स एट पी टू सेपरेट एक्सपेंस. सेल्स एट पी वन सेल्स एट पी टू एंड
सेपरेट एक्सपेंस। सही है सुनो, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इट मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 1268,800, डायरेक्ट वेजेस 384, पी डायरेक्ट वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट पी दिस इज योर 96, देन 64 एंड देन 36। सही है सर। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने अभी निकाला था फ्रेंड्स, ये 307,200, 76,800, 51,200 एंड 28,800। आप आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड 307,200, 76,800, 51,200 एंड 28,800। सही है सर। इट मीन्स टोटल 96 प्लस 76,800 172, दिस इज योर सेपरेट एक्सपेंस राइट। 64 प्लस 51,200 इज 115,200 एंड 36 प्लस 28,800 इज 64,800। ये क्लियर हुआ, 64,800 सेपरेट एक्सपेंसेस। सही है सर। ऑलराइट, अब आप आ जाइए आगे क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द मंथ अंडर द रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर एट 44,000 एट द रेट ऑफ 32 एंड ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर। इसका मतलब आपने कहाँ पे सेल किया है, आपने सेल किया है पी टू पे, कितना, इट मीन्स सेल्स एट पी टू आपका ये तो आ गया 172,800 इज ए सेपरेट एक्सपेंस, लेकिन आपका सेल्स एट पी टू क्या है, इट मीन्स 44,000 इंटू 32, इट मीन्स 44 इंटू 32 इज 14,08,000। ठीक है, देन पी टू का सेल है दूसरा 40,000 इंटू 24, इट मीन्स 40,000 इंटू 24 इज 960 एंड 20,000 इंटू 16, 20,000 इंटू 16 इज 320,000। तो ये आपका हो जाएगा सेल्स एट पी टू, सेल्स एट पी टू एंड सेल्स एट पी टू। अब क्या बोल रहे हैं, देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स पी वन दैट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग द सेलिंग प्राइस
would have been 20, 22 and 10 respectively for A, B and C. इसका मतलब A का सेल हो जाएगा आपका 44,000 into 32 is 44,000 into sorry आपका P1 का सेलिंग प्राइस आएगा 44 into 20 is 880. Then 40,000 into 22 is 880 and 20,000 into 10 P1 पे सेल हो जाएगा 2 lakhs. ये P2 का हो गया, ये P1 का 2 lakhs. सही है सर, ये आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं, पूरा ग्राफ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए. इट मींस आपका टोटल जॉइंट कॉस्ट आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड आपको टोटल दे रखा. इट मींस 1268 800 3 lakh 84 3 0 7 200 is 19 lakh 60 thousand. आपका टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा 1960. उसके बाद तीन प्रोडक्ट है अपने पास ए बी एंड सी, उनका आउटपुट अपन को दे रखा है 44,000 केजी ऑफ ए, देन 40,000 केजी ऑफ बी एंड 20,000 केजी ऑफ सी. 20, 40 and 44. पहला सेल सेट पी वन वो आपको दे रखा है 44,000 into 20. पी टू करेंगे तो 32, तो ये आपका पी टू, ये आपका पी वन और ये आपका सेपरेट कॉस्ट. ये आपका पी वन 880, आपका पी टू 960 सेपरेट कॉस्ट. पी वन 2 lakh 320 पी टू एंड 64,800. इसमें एक नया जो पॉइंट था वो ये वाला था, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ मतलब जो भी फैक्ट्री ओवर. मैंने आपको बोला भी था याद है, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट में आपको बोला था, फोर्थ मेथड फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आपका ये था. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर. ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या अपने को पूछ रहे हैं वो वन बाय वन. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स. कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स अपने पास, ए बी एंड सी. अब आ जाइए यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में. अब आप आ जाइए, अब आपको मेरी याद आएगी. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स. जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ए बी एंड सी. अब आप आ जाइए, पहला फर्स्ट क्या था, फिजिकल आउटपुट. क्या पहला एजम्पशन क्या था, बोलो रिवाइज करो एक बार. पहला एजम्पशन क्या था, फिजिकल आउटपुट. वी कांट एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. व्हाई, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए डिफरेंट नेचर. सब प्रोडक्ट का डिफरेंट नेचर है. डिफरेंट नेचर मतलब सबका डिफरेंट सेलिंग प्राइस है, नहीं जा सकते. नंबर टू, वी कैन गो नेट कॉस्ट. नेट कॉस्ट में जाएंगे, एक का कॉस्ट आएगा दूसरे का नहीं आएगा, बराबर. तीसरा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड फॉर एलोकेशन इज सेल्स एट पी वन. सेल्स एट पी वन है क्या हमारे पास, आंसर इज यस. आंख बंद करके यू एलोकेट इन द रेशियो ऑफ सेल्स एट पी वन. सो दिस विल बी योर
आंसर नंबर वन. इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है अपने पास, ए बी सी. सेल्स एट पी वन रिफर नोट नंबर वन. व्हाट आर योर सेल्स एट पी वन? 8,80:2,00,000. देखो जरा सेल्स एट पी वन क्या था, 880, दूसरा 880, 2,00,000. ये रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे. व्हाट योर जॉइंट कॉस्ट इज 19,60,000. इसको 880:880:200 के रेशियो, इट मींस 880 and 2,00,000. सेम वैल्यू आपका आ जाएगा. 880 and 200 is 19,60,000. ये आपको क्लियर हुआ, पहला आपका हो गया. लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पे आपको, यहां पे एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट. यहां पे एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग. आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर? ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड. आपको क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, राइट. प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर द रेफरेंस एज पर द कंपनीज करेंट पॉलिसी. एट प्रेजेंट कंपनी कहां पे सेल कर रही है, ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आफ्टर द प्रोसेसिंग देम फर्दर. इसका मतलब एट प्रेजेंट कंपनी कहां पे सेल कर रही है, आफ्टर फर्दर प्रोसेस, बराबर. तो आपको बताना है प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर द रेफरेंस एज पर द कंपनीज करेंट पॉलिसी. इट मींस व्हाट इज द करेंट प्रॉफिट एंड लॉस? इट मींस आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ करेंट प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल, टोटल भी चाहिए उसको ना फ्रेंड्स. इट मींस टोटल के लिए भी एक कॉलम अपन को बनाना पड़ेगा. इट मींस कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास, प्रोडक्ट ए बी सी एंड टोटल सेल्स. क्या बोल रहा है सेल्स? सेल्स हम लोगों ने निकाला था ना फ्रेंड्स पी टू पे. पी टू पे सेल्स 14,08,000, पी टू पे सेल्स 960 and 320. 14,08,960, 320. 14,08,960, 320 is
ज्वाइंट कॉस्ट आंसर नंबर वन 880 एंड 2 lakhs 880 एंड 2 lakhs इज 19 lakh 60 लेस सेपरेट कॉस्ट नोट नंबर वन 172 800 115 200 and 64 800 172 800 115 200 64 800 is 352 800. बोलो सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखा है निकाला था ना फ्रेंड्स 172 800 115 200 and 64 800. दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस 14 lakh 8 माइनस 880 माइनस 172 800 355 200 देन 9 lakh 60 माइनस 880 115 200 35 200 लॉस एंड 320 माइनस 200 माइनस 64.8 55 200 355 200 minus 35 200 is 375 200 2688 minus 1960 minus 52 2688 minus 19 lakh 60 minus 352 800 is 375 200. ये आपका क्या हो गया आंसर नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ करेंट प्रॉफिट एंड लॉस एट प्रेजेंट आपका करेंट आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है बिकॉज कंपनी सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस सो दे आर आस्किंग प्रेजेंट स्टेटमेंट आंसर टू में प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर रेफरेंस एज पर द कंपनीज करेंट प्रोसेसिंग पॉलिसी वॉट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाए देखो कॉस्ट कंसल्टेंट का यही तो है आप जो डिसीजन दोगे आपको बताना पड़ेगा भाई एट प्रेजेंट तो ये कर रहा है ये मत कर हम जो बोल रहे हैं वो कर तो तेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा हम जो बोल रहे हैं वो करेगा तो तेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा करके उसको बताना पड़ेगा प्रूव करके तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा फर्स्ट एनालिसिस फॉर फर्दर प्रोसेस इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर थ्री स्टेटमेंट showing analysis for further process A, B, C sales at P2 मैं फर्दर प्रोसेस करके सेल करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 14 lakh 8000 अगर मैं P1 पे सेल कर दूं तो सेल्स एट P1 पे करूंगा मुझे क्या मिलेगा 880
तो मुझे पी वन से पी टू जाने में व्हाट इज द इंक्रीमेंटल सेल्स पी टू माइनस पी वन, मतलब बढ़ाने से 1408 माइनस 880 इज 528 लेस सेपरेट एक्सपेंस इज 172.8 इज 355.200 राइट. तो आपका डिसीजन हो जाएगा पीटू, क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ रहा है 528 से और मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है ओनली 172.800 से, तो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा 355.200. तो मुझे कहां पे सेल करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए एट P2. अब आप आ जाइए सेकेंड, 960 माइनस 880, 960 माइनस 880 इज 80,000 और आपका कॉस्ट है 115.200 लेस 115.2 इज 35,200 एंड हमें सेल करना चाहिए P1, क्योंकि पहले मेरा सेल 880 में हो रहा था, अब होगा 960 में, तो कितने से सेल बढ़ गया 80,000 और उसके सामने मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है 115,200 से, तो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, तो ये करें. देन आपका सी में 320 टू लैक्स 120 एंड 64,800 मीन्स 320 पहले 200,000 का हो रहा था, अभी 320 कितने से सेल बढ़ गया 120 से, लेकिन कॉस्ट कितना लगेगा 60, तो इज गुड. सो 120 लेस 64 120 माइनस 64,800 इज 55,200 P2. इसका मतलब अगर A को हम लोग सेल करते हैं P2, B को P1 और इसको P2 करते हैं, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. जो कंपनी को एट प्रेजेंट कितना प्रॉफिट आ रहा था इस 375,200, लेकिन उससे बढ़ जाएगा, गारंटीड उसका बढ़ जाएगा प्रॉफिट. देखो जरा, इट मींस फोर्थ में अपने को क्या, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन. इट मीन्स आंसर नंबर 4 स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस. A, B, C, total sales P2, P1, P2 sales. क्या sales है? 14,08,000, 8,80,000, 320. देखो जरा, इसका P2, इसका P1 और इसका P2 सेल्स ले लिया, लेस जॉइन कॉस्ट 880 2 lakhs लेस सेपरेट कॉस्ट 172,800 and 64,800 profit and loss 355,200 nil 320 माइनस 64,800 माइनस
पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, ओनली 375,200, और अब हमारा प्रॉफिट आ रहा है 410,000. ये बेनिफिट है एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट. कॉस्ट कंसल्टेंट लोग जो रहते हैं उनका ये बेनिफिट है करके ना, कॉस्ट कंसल्टेंट जो लोग रहते हैं उनका ये बेनिफिट है. सही है, सुना परफेक्टली क्लियर होना, यहाँ तक समझ में आ रहा है. तो हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए, प्रोडक्ट ए एंड सी आफ्टर फर्दर प्रोसेस एंड बी एट सेपरेशन पॉइंट, देन वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सही है सुना.